नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सपने में रोना का मतलब जाने अच्छा होगा या बुरा। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सपनों में किसी को रोते हुए देखना शुभ या अशुभ संकेत। सुख और दुख इंसान के जीवन का अहम हिस्सा है। किसी ना किसी बात को लेकर अक्सर लोग रो देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सपने में खुद को रोते हुए देखने का अनुभव किया है, या फिर किसी छोटे बच्चे या किसी दूसरे व्यक्ति को रोते हुआ देखा है? यदि हाँ तो क्या आप इसका मतलब जानते हैं? यदि नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं ऐसे सपने आपको क्या संकेत देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपना का कोई न कोई अर्थ होता है। कहा जाता है कि ये हमें भविष्य को लेकर काफी आगाह करते हैं। सपने में खुद को रोते देखना का मतलब। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक यदि आप सपने में खुद को रोता हुआ पाते हैं तो ये बेहद ही शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि जल्द ही आपके जीवन में बदलाव होने वाला है, जल्द ही आपकी परिस्थितियां आपके पक्ष में होने वाली हैं। साथ ही ऐसा सपना आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत भी देता है। सपने में खुद को रोते देखना इस बात का भी संकेत। इसके अलावा सपने में खुद को रोते हुए देखना व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है। कभी कभी खुद को रोते हुए देखना इस बात का भी संकेत है कि वह व्यक्ति असल जिंदगी में वह किसी परेशानी का सामना कर रहा है, या फिर किसी बात को लेकर वह काफी परेशान है। सपने में छोटे बच्चे को रोते हुए देखना। कई बार व्यक्ति सपने में बच्चे को भी रोते हुए देखता है। इस तरह के सपने इस बात का संकेत देते हैं कि जल्द ही आपके जीवन में कोई परेशानी दस्तक देने वाली है। इतना ही नहीं, इस तरह के सपने आर्थिक हानि का भी संकेत देते हैं। सपने में किसी दूसरे व्यक्ति को रोते हुए देखने का मतलब। कभी कभी आप सपने में देखते हैं कि आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति या कोई अनजान एक कोने में बैठकर रो रहा है। हालांकि इस तरह के सपने काफी डरावने होते हैं, लेकिन ऐसा सपना देखने पर घबराएं नहीं, बल्कि ये आपके लिए शुभ संकेत है। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक आने वाला समय आपके लिए शांति भरा रहेगा। साथ ही ऐसा सपना देखने वाले यदि किसी बात को लेकर तनावग्रस्त है तो उसकी टेंशन जल्द खत्म होने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।